नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको एक्वेरियम हीटर कैसे ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये हीटर कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाते हैं। इसका एक मेन रीज़न होता है कि इसका कॉइल ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको ये वाला हीटर आज रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको एक्वेरियम में जो हीटर दिखा रहा हूँ वो मैंने पहले रिपेयर किया था और वो अच्छे से रिपेयर भी हो गया है। और ये नेस्टम मैंने हैंड फीडिंग के लिए लाया है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा है। तो ये भी अभी ख़राब हो गया है, तो अभी हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आप पहले तो इन सबको निकाल लीजिए। तो ये आपको ये बटन स्विच होता है ना, ये निकाल लेना है। तो आप इसको ज़ोर से बाहर खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो अभी आपको ये वाला कैप निकालना है। तो ये आपको खींचने पर नहीं निकलेगा, ये बहुत ही टाइट है, रबर से बना हुआ। तो आपको मैं एक आइडिया बताऊंगा। आपके पास हेयर ड्रायर हो तो आप उससे भी इसे गर्म कर सकते हैं। आपको इसे पिघलाना नहीं है, तो ये पिघल जाएगा ज़्यादा करेंगे। तो सिर्फ आपको इसे थोड़ा सा गर्म कर देना है और कपड़े से खींच लेना है। तो मैं अभी, मेरे पास तो हेयर ड्रायर नहीं है, तो मैंने अभी गैस पे इसे थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ। मैंने पिछली बार वो हीटर भी ऐसे ही करके रिपेयर किया था। तो आपके पास हेयर ड्रायर हो तो आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। मैं तो अभी यहाँ जुगाड़ लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो आपको इसे पिघलाना नहीं है, ये पिघल जाता है जल्दी से। आपको ऊपर धरना है, बिल्कुल ही आग पर नहीं धरना, वरना ये पिघल जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कपड़े से खींचना है, वरना आपको इसके चटके लग जाएंगे। तो मैं अभी इसको निकाल लिया हूँ, आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा पिघल गया है। तो कोई बात नहीं, अभी हम इससे निकालेंगे। ये देखिए ये वाला है ना, ये भी आपसे नहीं निकलेगा, तो इसे भी आपको गर्म करना पड़ेगा गैस पर। तो अभी मैं इसे भी गर्म कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा थोड़ा गर्म कर लेना है आपको। तो आपको एक बात याद में रखनी है, वायर पर आग नहीं लगाना, वरना वायर जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा से गर्म करने पर निकल गया ये। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो ये सभी ठीक लग रहा है। आपको चेक कर लेना है कहाँ से वायर निकल गया है क्या। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कॉइल है, इसमें ही ज़्यादातर खराबी निकल जाती है, कहीं से तो ये टूट जाता है। तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से चेक कर लेना है कहीं से ये टूट गया है क्या। तो आपको कुछ करना नहीं, इसे जोड़ देना है कहीं से ये टूट जाता है। तो मेरा तो यहाँ से टूट टूट जाता है बार बार, तो ये ओवर हीटिंग पे हीटिंग से हो जाता है। तो यहाँ से ज़्यादातर टूटता है, इसलिए जोड़ लेना है। दोस्तों, इसे ट्यूब से निकालने के बाद आप कभी भी इसे प्लग इन मत करना, वरना आपको झटका लग सकता है। आप चाहते हैं कि ये चालू हो गया देखने के लिए, आप इसे ट्यूब के अंदर डाल दीजिए और फिर आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसे सोल्डरिंग नहीं करना है, वरना ये वहाँ गर्म हो जाने पर पिघल जाएगा। तो ये कॉइल ही गर्म करता है आपके हीटर को, तो आप यहाँ सोल्डरिंग कर देंगे तो पिघल जाएगा सोल्डरिंग। तो आपको सिर्फ इसे उसी के कॉइल के वायर से जोड़ देना है। और अभी मैं इसे एक्वेरियम के हीटर में डाल देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं एक कांच का टेस्ट ट्यूब के जैसे दिख रहा है। तो अभी आपको ये लाइट वाला हिस्सा है ना, वो बिल्कुल बराबर रखना है, जहाँ से आपको लाइट दिखेगी कि ये शुरू हो गया, आप पहचान सकते हैं। तो ये तो आसानी से बैठ गया, तो अभी हम उसके ऊपर वाले हिस्से को बैठाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये थोड़ा मुश्किल होगा इसे बैठाना, लेकिन ये भी बैठ जाएगा। सिर्फ आपको इसे जलाना नहीं है, इसे गर्म करते वक्त वो आपको ध्यान में रखना है, और इसे बिल्कुल ही टाइट कर देना है। आपको चेक करना हो कि ये अच्छे से गर्म हो गया है, तो आप ये सोल्डरिंग का होता है ना, वो लगा के देखिए, और एक्वेरियम हीटर को बिना उस ट्यूब में डाले हुए शुरू करके देखिए, वो पिघलने लगे तो आप पहचान लेना है कि ये ठीक हो गया है। तो दोस्तों, मैंने अच्छे से इसे फिट कर दिया है। तो अभी आपको इसके नॉक को लगाना है, ये बटन को, तो इसे भी आपको प्रेस करके ही लगाना है।
जैसे आपने पहले खींचा था वैसे ही आपको अंदर पुश करके इसे लगा देना है। तो आपको देखना होगा किस तरफ ये घूमता है, डायल होता है। तो अभी हम इसे इसको लगा देते हैं, ये सारे जो चिपकाने में यूज़ होते हैं। तो अभी आपको ये लाइट वाला हिस्सा आगे रखना है ताकि आपको पता चले कि हीटर शुरू हो गया है। तो मैंने सभी लगा दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको घर पर ही एक्वेरियम हीटर कैसे रिपेयर करते हैं वो बताया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप ज़रूर से अपने हीटर को ऐसे रिपेयर करके देखिए। अगर इससे भी ये रिपेयर नहीं होगा तो आप इस नया हीटर लीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।